गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सॉरी आई गॉट बिट लेट, एक्चुअली एक कॉल थी उस पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो हाँ भाई, क्या डिस्कस करना है आज की क्लास में? हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के डाउट लेने, राइट? सर, तो बताते जाओ, पहले कहाँ से स्टार्ट? टेक्सुअल एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप किए हुए थे सर, पर्सनल पे सर, कर दिया था। मतलब काफी किए हुए थे पहले ही, मतलब इमेजेस ही भेजे हुए थे सर। मैं तो क्वेश्चन नहीं सीख रहा, अच्छा चलो, वो तो मैं इमेजेस जो भेजे मैं सीधे सीधे देखते जाता हूँ। पहले टेक्सुअल डिस्कस करना है या गेम? गेम में भी कोई डाउट है? टेक्सचुअल में ही है सर मेन, तो ग्रेट, टेक्सचुअल ठीक है, तो मैं टेक्सुअल से ही स्टार्ट करता हूँ। सर 3 ना थोड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स लगी थी, मतलब थर्ड जो थी। ओके, टेक्सुअल एक्सरसाइज। तो आई थिंक इसमें वन में कोई डाउट है कि नहीं? पहले मैं तुम्हारा इमेजेस देख लेता हूँ। और किसी ने भेजा है कि केवल किसने किसने भेजा है? मेहुल, तुमने भेजा है? ग्रुप पे भेजा था कि अलग से? नहीं सर, मैंने तो आपको ही भेजा यार यही सब तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। हाँ ठीक है, तुम्हारा तो मुझे दिख रहा है। ये कौन से एक्सरसाइज के हैं? ये तो बहुत अलग अलग टाइम है जो भेजे हैं, वही है ना सारे? यस सर, वो जब कर रहा था तो ऐसे ही डाउट आया, मैं भेजता रहता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एक तुमने भेजा था। पहले तो फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी साथ के साथ भी बता सकते हो बेटा, अगर किसी को कोई इश्यू है तो। ये क्वेश्चन तो हो गया होगा ना, ये वाला? यस सर, मतलब फर्स्ट टेक्सचर एक्सरसाइज वन में किसी को कोई डाउट नहीं है? बिकॉज होगी इसमें जो सबसे पहला डाउट तुमने भेजा है क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड दैट 11th क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का तो नहीं है, सेकंड सेकंड का का, है। सेकंड का, तो फर्स्ट में फर्स्ट का तो ले चुके थे। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि लिया था कि नहीं लिया था, क्योंकि डाउट का जो कोई लेक्चर पढ़ा नहीं हुआ अलग से, मुझे लग रहा किसी क्लास में डिस्कस हो गया, वो अलग बात है। सेकंड, एक तो ये 11th क्वेश्चन था। यस सर, अब वैसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट मुझे समझ में नहीं आया कि इसको क्यों, क्या डाउट क्या था इसमें? देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है, बाकी बहुत इजी है वैसे तो। में गलती लग रही? यस सर, क्या गलती लग रही? तो पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया बेटा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, नहीं मिनिमम ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 6 है, तो प्लस 4 प्लस 2 लिख सकते हो। मिनिमम एक्सप्रेशन, किसी भी वैल्यू का मिनिमम, किसी एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू चाहिए जहां पर ए रियल नंबर है, तो वो निकालने के लिए हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। एग्रीड? यस तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 2। जब ए की वैल्यू 2 होगी तो आंसर आ गया इट इज इक्वल टू 2 इफ ए इक्वल टू 2। एक बात तो ये समझ में आ गई, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू
इस एक्सप्रेशन के लीस्ट वैल्यू के इक्वल दिया हुआ था, तो इक्वेशन बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो क्लियर ही दिख रहा है नो सोल्यूशन, बिकॉज रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन क्या आया बोलो, LHS में जो एक्सप्रेशन है उसका रेंज आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ रूट टू से रूट टू, और जबकि RHS क्या है टू है, तो इक्वालिटी नेवर होल्ड है ना, बिकॉज रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस रूट टू से रूट टू एंड देयरफॉर नो सॉल्यूशन। इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। अब क्या आंसर मैच नहीं कर रहा था क्या? अच्छा सी दिया हुआ है, तब तो गड़बड़ है। मैं सिर्फ इसको नेट पे चेक किया था तो ना इसमें मिनिमम ब्रैकेट में 1 कॉमा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अच्छा तब होगा, तब तो हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। या अगर यहाँ पर ऐसा भी हो ना कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 हो तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, क्योंकि तब इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और 1 आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलो ठीक है, वो करेक्शन कर लो, इस करेक्शन के साथ में आंसर आ जाएगा। या अगर लिखा हुआ है ऐसा कि मिनिमम ऑफ 1 कॉमा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6, ज्यादा चांसेस हैं कि यही रहा होगा, a belongs to real, तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि तब ही आ जाएगा sin x plus cos x equal to 1, rest you know, sin x plus cos x equal to 1 होगा, तो obviously बात है कि root 2 से multiply, divide कर देंगे दोनों साइड में, तो आ जाएगा cosine of, या इस वाले फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो बेटर है sin में कन्वर्ट कर लो, तो sin of x plus pi by 4 हो जाएगा, sin of x plus pi by 4 is equal to sin pi by 4, तो आ जाएगा x plus pi by 4 is equal to n pi plus minus 1 to the power n pi by 4, और इसको उधर ले जाएंगे तो you get this answer. Anyway, इसके बाद अगला डाउट क्या था? अगला डाउट जो है वो एक था क्वेश्चन नंबर, फिर ये तो गेम का क्वेश्चन पूछा था, इसको तो छोड़ो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज से है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? होगी सर, बाकी तो बस इसी में। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर कैसे किया था 13 का? ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ? साइन ऑफ कोस में कन्वर्ट करके फिर इसमें जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बन गया। ओके, लेट मी टेल यू अ लिटिल बेटर वे इसको करने का। 13th क्वेश्चन देखो, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ये दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया हुआ? 1। तो यहां से कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा? वो भी बना जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते ना। यस सर। तो ये जो दो इक्वेशन आ गए, एक तो दिया था, दूसरा हमने अपने आप से क्रिएट कर लिया, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1 होता है यहाँ से। अब इन दोनों को ऐड कर लो अगर, तो तुम्हारे पास आएगा 2 कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या गई? 2। तो कोसेकेंट थीटा 1 आ गए, मतलब साइन थीटा 1 आ गए, एक आउटकम ये है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा? 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉट थीटा 0 आ गया। साइन थीटा 1 कब होता है? व्हेन थीटा इज 4n प्लस 1 पाई बाय 2 या 2n पाई प्लस पाई बाय 2, एग्रीड? Yes. और जब थीटा की वैल्यू ये होगी तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पे, और कॉस थीटा 0 होगा तो कॉट 0 हो जाएगा, एग्रीड? Yes. इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 4n प्लस 1 पाई बाय 2,
एंड देन यू कैन डायरेक्टली काउंट, क्योंकि हमें जीरो से टू पाई में चाहिए कितने हैं, तो दो होंगे, एक होगा, वन होगा, वन। तो एन की वैल्यू इंटीजर दोगे तो एन की वैल्यू जीरो दोगे, तो एन इक्वल टू जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू पाई बाई टू आएगी, और एन इक्वल टू वन करोगे तो ये नहीं 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 हाँ, एन इक्वल टू वन पर एक्सीड कर जाएगी, एन इक्वल टू माइनस वन पर एक्सीड कर जाएगी, एन इक्वल टू पर, तो बस सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। ऐसे इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है। एक में था जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सीकेंट प्लस टैन की वैल्यू रूट थ्री थी, तो वहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो से फोर पाई में निकालने थे, वो सब कर, वो सब ऐसे जैसे मैंने ट्राई किया ऐसे जरूर एक बार ट्राई करना, वो बहुत आसान हो जाएंगे। अदरवाइज साइन कॉस में कन्वर्ट करके तो सॉल्व हो ही जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। इसके बाद अगला अगला देखो अगला क्या है सर, बोलो। संडे के टेस्ट में अब आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ सर, पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं, संडे का जो टेस्ट है वो तो जेई एडवांस लेवल का है ना तुम्हारा? सर कुछ ऐसा तो नहीं पता चला सर, बस आया कि टेस्ट है थर्ड ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, तब तो थर्ड ट्रिग्नोमेट्री का है तो उसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आइडेंटिटी सब होगा। ओके सर, ठीक है। लेकिन एक जेई एडवांस का भी टेस्ट तुम्हारा होना है, आई डोंट नो किस दिन होना है, अभी पेपर मैंने जस्ट सेट किया है, तो उसमें पेपर वन पेपर टू दोनों ही सेट किया हुआ, तो उसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक क्वेश्चन डाले हैं मैंने। एनीवे, इसके बाद टेक्सुअल एक्सरसाइज थ्री में क्या क्या डाउट्स थे? वैसे तो टेक्सुअल एक्सरसाइज थ्री की अगर बात करें तो एक तरफ से ही देखते जाते हो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो कोई डाउट नहीं है, नाइन्थ क्वेश्चन में डाउट बोला गया है, एटीन्थ में डाउट है, नाइनटीन्थ में डाउट है, तो जस्ट लेट मी नो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किसी को कोई डाउट है क्या, या किया है कि नहीं किया ये भी बता दो यार, नहीं किया तो अभी कर लो एटलीस्ट। जैसे इससे ये निकालना है, कैसे करेंगे? cos x plus cos y की वैल्यू 2 है और cos x minus y निकालना है, क्या किया सर? वो पता ही चल रहा है cos x plus y सर, मैक्सिमम की मतलब उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ऐड हो रही है। हाँ, आप ये बोलोगे एक्सट्रीम वैल्यू का सिचुएशन है, क्योंकि दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब दोनों मैक्स हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है कि इक्वालिटी के लिए cos x की वैल्यू 1 होगी और cos y की वैल्यू भी 1 होगी। अब x माइनस पाई से पाई है, y भी माइनस पाई से पाई है, तो इसमें दोनों इवन मल्टीपल ऑफ पाई होने चाहिए, तो x और y दोनों क्या होंगे? जीरो वैल्यू ही टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इस इंटरवल में cos की वैल्यू 1 जो है वो आप जानते ही हो कब होती है ना, माइनस पाई से पाई इंटरवल में अगर बात करें तो cos की वैल्यू 1 सिर्फ एक ही बार होती है, कहां पर? जीरो पर। तो x और y जीरो हो गया तो x माइनस y क्या हो गया? x माइनस y भी जीरो हो गया, तो cos x माइनस y क्या हो गया? 1। सेकंड कैसे किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके साइन की वैल्यू तो आ जाएगी, उसके बाद फिर क्या करें? ग्राफ से जस्ट करेंगे, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 ± √5/2, यही आएगी ना? वन माइनस रूट फाइव बाई टू एक वैल्यू आएगी, 1 + √5/2 एक वैल्यू आएगी। इसमें से दोनों पॉसिबल है? नहीं, नहीं, नहीं।
इसके बाद क्या करें सर? फर्स्ट सेकंड वाले पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड वाली हो नहीं सकती सर, फर्स्ट वाली सेकंड वाली हो नहीं सकती। हमें कहां तक, कहां से कहां तक सॉल्यूशन सीख करने हैं? माइनस टू पाई से टू पाई। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि रेंज के बाहर है। ये वाली पॉसिबल है क्योंकि ये माइनस वन पॉइंट समथिंग बाई टू है, तो ये नेगेटिव है रेंज में। तो हमें क्या करना है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन है ये? ये y is equal to 1 minus root 5 by 2, और फिर number of point of intersection count करने हैं minus 2 pi से 2 pi में। तो you will see कि एक solution यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और एक यहाँ आएगा, और एक यहाँ आएगा। कितने solution होंगे? 4 solutions होंगे, क्योंकि इसके बाद इधर कट करेगा लेकिन वो minus 2 pi के लेफ्ट में कट करेगा। तो there are 4 solutions in this case anyway। तो चलो, इसका मतलब है कि आप कर गए होंगे, किसी का इसमें कोई डाउट नहीं नजर आ रहा है। तो मैं नाइन्थ क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो ये नाइन्थ क्वेश्चन मेहुल ने पूछा था। अच्छा, ऐसे ऐसे देखो, ये पांचवा क्वेश्चन जैसे था, राइट? अब बोल दिया कॉस एक्स इंटू साइन वाई वन, तो ये कब होगा? क्योंकि जब दोनों वन हो या दोनों माइनस वन हो, वन वन माइनस वन माइनस वन, ऐसे ये वाला है साइन एक्स इंटू कॉस वाई वन, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स टू है, इज इट पॉसिबल? ये तो स्ट्रेट वे बोलेंगे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी हाफ मैक्सिमम। टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो साइन टू एक्स बाई टू है, तो इसकी मैक्स वैल्यू हाफ है, तो नो नॉट पॉसिबल। तो मैक्सिमम इसमें जो है वही है कि आपका जो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू पर बेस सारी प्रॉब्लम है, ये तो आपको समझ में आ रही है। ये इसका आंसर, छठे का आंसर क्या दिया आपने? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आर्गुमेंट। एमजीएम कोसाइन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू फाइव रेस टू द पावर एक्स प्लस फाइव रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। तो बाई अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इसको इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी। ये वन से इन्फिनिटी में लाई करेगा, ये आरएचएस एक्स इक्वल जीरो पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। और एलएचएस जो है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू वन है, तो इक्वालिटी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, जब दोनों वन हो जाए? और वो पॉसिबल है कि नहीं वो इन्वेस्टिगेट कर लो। तो कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स वन होना चाहिए, और ये भी वन होना चाहिए, ये क्वांटिटी भी वन होनी चाहिए। और ये वन कब होगी? जब एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यहां से तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, बट एक्स इक्वल टू जीरो यहां पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कॉस वन, वन रेडियन पर कॉस की वैल्यू वन नहीं होती है, तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नाइन देखो, ये मेहुल का प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्या इश्यू था मेहुल, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी तुमको? सर नहीं हुआ था मेरे से, मतलब पहली बारी में सॉल्व किया था तो नहीं निकला था। अभी दूसरी बारी में भी तो सॉल्व कर लिया करो बेटा। पहली बारी तुमने किया होगा तो हो सकता है उतनी मेच्योरिटी ना रही हो, अब तो आप ग्राफिकल बहुत सारा कर चुके हैं ना। अब यहाँ पर भी वही देखो, पिछला क्वेश्चन जो अभी मैंने डिस्कस किया और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो मैं वही कर रहा था, प्लस वन एक्स का स्क्वायर माइनस टू करके कुछ ऐसा ही कुछ करने की सोच रहा था। अब क्या करोगे, अब क्या सोचोगे ये बताओ? उसमें तो मैं मान लिया कि उसमें तुम कुछ सोच रहे थे, अभी क्या सोचोगे इसको, जल्दी बोलो। कैन यू थिंक ऑफ, सभी लोग सोचो जरा फटाफट इसको। तो आरएचएस में तो एमजीएम लग रहा है ना, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या आएगी? वन, वन से इंफिनिटी में ये रेंज करेगा। वैसे भी समय से ना पॉजिटिव रेसिप्रोकल इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये तो आपको स्टेटमेंट भी याद रहता है, ठीक है? तो हमने क्या यूज किया, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। वहां से आया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट का रूट, तो वन। तो ये आ गया तुम्हारा,
कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बाई टू की वैल्यू वन से इंफिनिटी हो गई, जबकि यहां बात करो ये एक्सप्रेशन जो है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू वन होगा और ये भी लेस देन इक्वल टू वन होगा और पॉजिटिव होंगे, ये तो कंफर्म है क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है। तो इक्वालिटी की पॉसिबिलिटी कब है? इक्वालिटी तभी हो सकती है जब जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर अपनी मैक्स वैल्यू टेकअप कर ले, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू वन हो जाए एंड साइन स्क्वायर एक्स भी वन हो जाए। साइन स्क्वायर एक्स वन होने का मतलब होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स जीरो होना है ना, यस। और कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू वन होने का मतलब क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू वन होने का मतलब होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू की वैल्यू वन होना, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन करने से हमारा डोमेन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं कर ले रहा हूं नहीं cos 2x नहीं cos x सॉरी, है ना, हाफ एंगल फार्मूला यूज कर लिया मैंने। तो यहां से cos x की वैल्यू क्या आ रही है? cos x की वैल्यू 1 आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? yes, cos x 1 और cos स्क्वायर x 0 ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है? Yes, sir. अगर कोसाइन एक्स की वैल्यू वन होगी तो कोसाइन स्क्वायर एक्स जीरो नहीं होगा क्योंकि कोसाइन स्क्वायर एक्स भी वन होगा, तो ये दोनों बातें पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। और यहाँ एंड है, ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सन है कि इसकी वैल्यू भी वन होनी चाहिए एंड इसकी वैल्यू भी वन होनी चाहिए। तो एंड है इसका मतलब दोनों बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तो किसी भी एक्स के लिए दोनों बातें एक साथ नहीं ट्रू होंगी, तो इसका मतलब आंसर क्या है, सोल्यूशन क्या है बोलो? नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था ना, कि सॉल्यूशन पूछा था, अच्छा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आ गया। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ही पूछेंगे, देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ये नाइन्थ था, नाइन्थ के बाद कौन सा डाउट था? इसमें जो आप मेंशन कर रहे हो नाइन्थ के बाद एक कुछ तो तुमने ऐसा किया है ना कि इमेज तो डाल दी है बच्चे, लेकिन इसमें बताया नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है, एक ही इमेज में दो प्रॉब्लम है, तो कौन सी प्रॉब्लम जो हाईलाइटेड है? सर वही होगी सर, आप कौन सा देख रहे हो सर? मेहुल तुमने जो शेयर किया है वही देख रहा हूँ बेटा, तुम्हारा पर्सनल उस पे 18th क्वेश्चन एक तो तुमने बोला हुआ है, 18th क्वेश्चन किसका है? लेट मी चेक, एक्सरसाइज भी ढूंढना मुश्किल है, फिर 19th और फिर से 10th। लेट मी चेक, अरे नेक्स्ट की है सर, इसकी नहीं है। हाँ इसकी तो हो नहीं सकती, इसमें ज्यादा नहीं, एक 18th क्वेश्चन तो यही है। यस सर, कब वाले में सर कंफ्यूजन हुई थी, 19 बेसिकली। चलो एक बार इसमें और भी देख लेते हैं, इसमें इधर तो कोई डाउट नहीं किसी को, 12, 13, 14। ओके ओके, देर आर सम क्वेश्चंस आई विश दैट यू शुड ट्राई। एक काम करो, चलो ये 14th क्वेश्चन करके बताओ, ये 14th वन सभी लोग ट्राई करो। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने नहीं किया है। अच्छा एक बात मैं बताऊं आप सभी के लिए, दैट टेक्सुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन किया करो, उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। ये मत समझा करो कि टेक्सुअल एक्सरसाइज का मतलब है कि वो बहुत एलिमेंट्री होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आइडिया ये होता है कि जब हम गेम से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं, और हर क्लास के अगेंस्ट में एक टेक्सुअल एक्सरसाइज है, तो पर्पज होता है कि टेक्सुअल एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हो जो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उस पर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, अदर देन गेम प्रॉब्लम हो, बट
थोड़े से ज्यादा हो, और दूसरा पर्पज होता है कि उसमें चार पांच प्रॉब्लम ऐसी डाली जाए जिसमें जो शार्प बच्चा होता है ना उसकी समझ आ जाए, कि मुझे टीचर को समझ में आ जाए कि कौन किस लेवल तक सोच पा रहा है। तो हमेशा आप देखोगे कि टेक्सचर एक्सरसाइज में एक या दो क्वेश्चन होते हैं ना जो मतलब ब्रेन को परेशान करते हैं, वो आपका आईक्यू टेस्ट करता हूँ एक तरह से हम लोग, ठीक है, क्योंकि बाद में लेवल 2-3 में तो होंगे उस तरह के क्वेश्चन, लेकिन टेक्सचर एक्सरसाइज में भी डाले जाते हैं साथ के साथ में। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान दिया करो, टेक्सचर एक्सरसाइज को जरूर करो, और वो साथ के साथ करने के लिए सबसे आइडियल है कि जब आप क्लास कराई जा रही, जब बताया जा रहा है, उसी समय कर लो, टॉपिक के साथ साथ करते जाओ। अब बताओ 14 क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 sin x इक्वल टू 0, ये है फंक्शन तुम्हारा, और इसमें x दिया कि 0 से 2π। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितनी नंबर ऑफ एक्स है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए आपको, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। मतलब हमें ये पता करना है कि 0 से 2π में ये जो फंक्शन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल प्लस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ऐड कर दिया है, वही ट्रबल है बेसिकली, ये कितनी बार जीरो वैल्यू टेकअप करेगा, पर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, डिफरेंशिएशन के एक्सिस से पूछा। हाँ क्या? डेरिवेटिव लेके, दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर हम बिकॉज ये फंक्शन ऐसा है, अगर सिर्फ क्यूबिक का ग्राफ और 2 sin x को उस साइड ले जाए तो फिर इंटरसेक्ट जा करेगा, हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये क्यूबिक का ग्राफ बनाने के लिए भी तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। हाँ सर, वही बस। तो बेटर है कि डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, तो इस फंक्शन को एफ एक्स मान लो और एफ डैश एक्स फिगर आउट करो, क्या आएगा एफ डैश एक्स? 3x² + 2x + 4 + 2 cos x, और जब आप ये लोगे ना तो आपको कुछ तो समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? ये समझ में आएगा कि 3x² + 2x + 2 × 1 + cos x, एंड देन यू वुड रियलाइज दैट ये जो क्वांटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट? बोलो। Yes. तो ये और ये, इसके बारे में भी कुछ समझ में आ रहा है? इसका a पॉजिटिव है एंड d नेगेटिव है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि f डैश x पूरा का पूरा, क्या समझ में आया आपको? f डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्या होता है अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो? तो वो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। Yes. f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूस है, कोई ब्रेकेज तो है नहीं इसमें, पॉलिनोमियल भी कॉन्टिन्यूस होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है? सॉरी, इसका मतलब है कि
ऐसे समझो। माइनस इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी, सॉरी बोलो। यस सर। क्यों? ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे इवेल्युएट करना तो उसको 1 बाई एक्स का फंक्शन बना लेना चाहिए। तो मैंने हाईएस्ट पावर एक्स की कॉमन ले ली। अब अगर एक्स को आप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ले जाते हो तो क्या होगा, आप समझ सकते हो, ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो इन्फिनिटी पर इस एक्सप्रेशन का बिहेवियर जो होगा वो नियरली एक्स क्यूब जैसा होगा। इसलिए अगर एक्स इन्फिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और माइनस इन्फिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अब एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है और माइनस इन्फिनिटी से वो स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी वैल्यू तक जा रहा है, तो बीच की सारी वैल्यू को लेगा? मतलब ये ऐसा हुआ ना कि ऐसे इधर से कहीं से स्टार्ट होगा और ऐसे करके इधर तक जाएगा तो सारी वैल्यू लेते हुए जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की सारी वैल्यू लेगा, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या वो कोई वैल्यू को रिपीट कर सकता है? इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी होती जाएगी, तो जब वो जीरो वैल्यू टेकअप करेगा तो वापस दोबारा जीरो वैल्यू टेकअप कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जीरो वैल्यू सिर्फ एक बार टेकअप करेगा। तो यहां से कंक्लूजन आ गया, देयरफॉर, बोलो कंक्लूजन में क्या लिखूं, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड कंटीन्यूअस फंक्शन, एंड f ऑफ माइनस इंफिनिटी इज माइनस इंफिनिटी, f ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एंड देयरफॉर इट विल टेक अप all real values exactly once and therefore fx equal to 0 bhi ek hi bar hoga has only one solution। ab wo solution kya hoga wo directly bhi dikh raha hai, wo solution directly dikh raha hai kya, जीरो पर वैल्यू जीरो हो रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एफ जीरो इज जीरो और कभी जीरो नहीं होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू जीरो। तो ऐसा नहीं करना पड़ा हमें कि क्यूबिक का अलग से ग्राफ बनाओ, साइन एक्स का अलग से, फिर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिगर आउट करो, वो डेरिवेटिव करके तो ग्राफ करते थे तो मतलब हो जाता सही उससे भी। हाँ जी बिल्कुल हो जाता, दोनों राइट साइड में 2 sin x को उधर ले जाओ, -2 sin x का ग्राफ बना दो और इधर में डेरिवेटिव क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ बना दो, कुछ ऐसा आएगा उसमें। -2 sin x का जो ग्राफ होगा ना, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ऐसा होगा, ऐसा। और जो तुम्हारा डेरिवेटिव इधर फंक्शन आएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये वाला भी फंक्शन जीरो से ही पास करेगा क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा। तो ऑब्वियसली ये दोनों सिर्फ यहीं पर एक जगह कट करेंगे। एनीवे इसके बाद अगला जो तुम्हारा था 19th क्वेश्चन आपने पूछा था, 14, हाँ ये 14th मैंने जानबूझ के बोल दिया, हालांकि देखो तो 13th और 12th भी ठीक क्वेश्चन है, तो अगर आपने पहले नहीं किए हो तो प्लीज कर लेना,
चाहे आप टेस्ट कंडीशन में ये एक्सरसाइजेस को करो, है ना, बट कर लेना जरूर। और करते समय भी अगर आपको दो क्वेश्चन सिमिलर हो तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर कि सारे सवाल के थ्रू गुजरो जरूर आप। हाँ जी, 18th और 19th देखो ध्यान से, जरा एक बार फिर से ट्राई करो। तो मुझे लग रहा पहले ट्राई किया होगा, हो सकता है इस वजह से ना हो। सभी लोग ट्राई करो 18th और 19th। बोल रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट इनसाइड द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन क्या है, tan 4x प्लस cot 4x प्लस 1 इक्वल टू 3 sin स्क्वायर y। एंड हाँ, AMGM लगाओ या ना लगाओ से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। AMGM लगाओगे तो भी हो जाएगा, AMGM से ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर y का होल स्क्वायर। तो tan 4x प्लस cot 4y, नहीं tan square x माइनस cot square x, सॉरी, तो भी हो जाएगा tan 4 प्लस cot 4 माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 3, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 3 sin square y। तो राइट हैंड साइड का रेंज आया R2 हो गया तुम्हारा -0 से 3। लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज आई, इस फंक्शन की जो रेंज आई, चाहे AMGM से कंक्लूड करो चाहे इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो ये 3 से इंफिनिटी हो जाए। तो देयरफॉर R1 और R2 का इंटरसेक्शन क्या आ गया, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिंगलटन 3, एंड दस कंक्लूजन आप कर सकते हो क्या कि कब होगा इक्वालिटी, कब होल्ड करेगी, बोलो। इक्वालिटी की कंडीशंस लिखो यहां से, तो क्या आ रही है, साइन वाई की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल सही। और साइन स्क्वायर वाई 1 आ रहा है, और टेन स्क्वायर एक्स क्या रहा है, वो भी 1 आ रहा है, क्योंकि 10 की पावर 4x 1 होगा, तो टेन स्क्वायर एक्स भी 1 आना चाहिए। अब यहां से क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं, साइन स्क्वायर वाई 1 कब होता है, जब साइन वाई प्लस माइनस 1 हो, तो वाई की वैल्यू ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 हो गई, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 हो गई। तो यहां से एक्स और वाई के जो पेयर्स मिल रहे हैं वो देखो, ये भी ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो कैन यू काउंट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नाउ, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई। तो यहां से अगर मैं इंटीजर वैल्यू दू, तो वाई की जो इंटीजर वैल्यूज आ रही है, अगर एन की वैल्यू 0 देता हूं तो पाई बाय 2, एन की वैल्यू 1 देता हूं तो 3 पाई बाय 2, एन की वैल्यू 2 देता हूं तो 5 पाई बाय 2 ऐसे, और माइनस 1 देता हूं तो माइनस 3 पाई बाय 2। सॉरी, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, ऐसे कुछ आउटकम्स मेरे को दिख रहे हैं। अब इसमें से हमें देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से आउटकम हमारी जो उस एडिशनल कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे x की बात करो तो x पर तुम्हारे पास आ रहा है प्लस माइनस पाई बाई 4, मतलब माइनस पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4। फिर n को 1 दिया तो पाई माइनस पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 4 एंड माइनस 3 पाई बाई 4। तो कैन यू लेट मी नो
कि कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसमें सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई दोनों अगर देखो यहां से, ये जो कंडीशन है ना ये वाली, इस कंडीशन का डोमेन बताओ, पता है ये कंडीशन में एक्स वाई पर क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो एक्स और वाई दोनों सर्कल ऑफ रेडियस टू में लाई करने चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो? ये है, अगर ये टू है, टू जीरो और ये जीरो टू, तो वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? एक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन इक्वल टू टू होना चाहिए और वाई का मैग्नीट्यूड भी लेस देन इक्वल टू टू होना चाहिए। नाउ यस फिगर आउट किनमें से कितने केसेस हैं जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो किन किन का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू टू है? ये है अभी तो, ये है अभी तो, ये है, ये तो रूल आउट हो गए, ये भी रूल आउट हो गए, आगे सब रूल आउट हो गए। ये सिर्फ दो हैं ऐसे। इसमें देखो तो इसका मैग्नीट्यूड 3 पाई, 3 पाई इज 9.something/4, ये भी रूल आउट हो गए, ये भी रूल आउट हो गए। तो सिर्फ ये दो हैं जो यहाँ पर फिगर आउट हो रहे हैं। तो दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर, लेकिन इनके अब फर्दर हम करेंगे। चार ऑर्डर्ड पेयर तो दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन यू हैव टू चेक कि इन दोनों में से स्क्वायर का सम भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अभी तो सिर्फ डोमेन कंडीशन लगाई थी, तो स्क्वायर का सम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पाई बाय टू और पाई बाय फोर का स्क्वायर का सम क्या होता है बोलो? पाई बाय टू का स्क्वायर प्लस पाई बाय फोर का स्क्वायर क्या होता है? पाई स्क्वायर बाय फोर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 पाई स्क्वायर बाय 16। और ये क्या होता है? तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 के आसपास होती है ना, 9 point something, तो ये हो गया 48 के आसपास, तो 3 के आसपास हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आंसर कितने ऑर्डर्ड पेयर आए? 4 ऑर्डर्ड पेयर आए, -π/2, -π/4, -π/2, π/4, π/2, -π/4, π/2, π/4, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर विल सेटिस्फाई। एनी डाउट बेटा? सबको समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। तो इसमें मैंने पहले तो एक्सट्रीम वैल्यू कंडीशन यूज करी, वहां से पहले इक्वेशन सॉल्व हुआ, सॉल्व होने के बाद में ये चीज को ऑब्जर्व किया, क्या कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो पहले तो मैंने कुछ नहीं किया, सीधे बोला कि वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहां से 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां से x बिलोंग्स टू -2 से 2 आ गया, मतलब मॉड x लेस देन 2 आ गया। और बिकॉज मैंने बोला x और y में सिमेट्रिक है रिलेशन, इसलिए जब मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो मॉड y भी लेस देन इक्वल टू 2 होगा, x और y का डोमेन कंडीशन सेम होगी। वो सेम डोमेन कंडीशन के बेसिस पर हमने फटाफट 2 एक्स की वैल्यू और 2 वाई की वैल्यू जीरो इन कर दी। उससे क्या हुआ, रिमेनिंग वैल्यूज के बारे में देखने का जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो हर पेयर को, हर कॉम्बिनेशन को मुझे सेटिस्फाई करा के देखना पड़ता। अब जब वो आ गया तो चार ऑर्डर्ड पेयर में आगे भी कुछ नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों का, इसका भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई एक कॉम्बिनेशन को देख। नाउ गो टू द 19th वन, 19th क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन क्या है? यहां पर फिर से नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, सेटिस्फाइंग दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन तो ट्रिगोनोमेट्रिक है प्योरली और एक कंडीशन जो है अलजेब्रिक है। ट्रिगोनोमेट्रिक कंडीशन क्या है? वो तो सिंपल है, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। क्या करें, कैन यू लेट मी नो? लेफ्ट में सीडी फॉर्मूला लगाओ तो आएगा 2 साइन
एक्स प्लस वाई बाई टू कोसाइन एक्स प्लस वाई बाई टू सॉरी एक्स माइनस वाई बाई टू ओजस तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है बेटा है ना लेफ्ट में आ गया राइट हैंड साइड में क्या है देखो राइट हैंड साइड को हाफ एंगल में ले जाओ माइनस लेफ्ट में ला करके टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू को साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर यू विल सी दैट टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमन लिया आ गया कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो अब ये राइट वाले को लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ ये माइनस हो ये प्लस हो जाए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जैसे आप दोनों को करो चलेगा अब आप ये चाहो तो यहां पर तो ऐसे रहने दो इसको चाहो तो cos c माइनस cos d से फिर से कर दो तो टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और ये हो जाएगा बोलो cos c माइनस cos d टू साइन c प्लस d बाई टू करेंगे तो क्या आएगा x बाई टू हेलो और d माइनस c बाई टू करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन y बाई टू अब यहां से ऑप्शंस क्या है एक तो आ गया कि ये जीरो हो या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो और है एंड नहीं ऑप्शनल है तो x प्लस वाई बाई टू एन पाई हो जाए और x बाई टू एन पाई हो जाए और y बाई टू एन पाई हो जाए अच्छा ये पूरा जो रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी देखो तो डोमेन चेंज नहीं है ऑल रियल डोमेन पर ओरिजिनल पेरेंट इक्वेशन भी था और अभी भी ऑल रियल है इसलिए डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ देयर इज नो चांस ऑफ लॉस ऑफ रूट देयर इज नो चांस ऑफ एक्सट्रानियस रूट एक्स प्लस वाई के वैल्यू आ रही 2n पाई और एक्स की वैल्यू आ रही 2n पाई और y की वैल्यू आ रही 2n पाई ये सब और है मतलब वो केस जब x 2 पाई का मल्टीपल हो जाए या y 2 पाई का मल्टीपल हो जाए तो भी चलेगा और x प्लस वाई 2 पाई का मल्टीपल हो जाए तो भी चलेगा अब बताओ एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं जो सेटिस्फाई करेंगे यहां से ये कंडीशन से एक्स और वाई की वैल्यूज बताओ तो एक्स क्या क्या हो सकता है अभी अगर मैं इनकी बात करूं इसकी बात करूं तो जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई माइनस टू पाई ऐसे इनफिनिट वैल्यू यही वैल्यू वाई की भी हो सकती है माइनस टू पाई जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई या क्या ऐसा हो सकता है इसके थ्रू अगर मैं बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन तो ये भी बन रहा है कि एक्स पाई हो जाए और y माइनस पाई हो जाए x थ्री पाई हो जाए और y माइनस पाई हो जाए x माइनस पाई हो जाए y थ्री पाई हो जाए ऐसे कॉम्बिनेशन भी बन रहे चेक करके देखो क्या ये सेटिस्फाई करेंगे जैसे कोई एक करके देखो क्या ये कॉम्बिनेशन वैलिड है x पाई y माइनस पाई तो ये दोनों जीरो हो गए और ये भी जीरो हो गए मतलब है कि ये सारे कॉम्बिनेशन वैलिड है ना अब इन सभी कॉम्बिनेशन में हमें क्या देखना हमें चूज करना है द वन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और मैग्नीट्यूड ऑफ वाई दोनों का समेशन वन होना चाहिए क्या मतलब हुआ इसका एक्स की वैल्यू
मॉड एक्स वन से छोटा होना चाहिए और मॉड वाई भी वन से छोटा होना चाहिए। एक्चुअली अगर इसको देखो ना, ये जो सेकंड कंडीशन है बड़ी इंटरेस्टिंग है ग्राफिकली अगर देखो तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, ये ऐसे लाइन वन जीरो और जीरो वन को सॉल्व करती लाइन, ये वन जीरो है और ये जीरो वन। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में इसी का मिरर इमेज बनेगा क्योंकि एक्स में एक्स को माइनस एक्स करने पर कोई फर्क नहीं है, वाई को माइनस वाई करने पर कोई फर्क नहीं। तो ये जो आ रहा है ना स्क्वेयर, इसी स्क्वेयर के ऑन एंड इनसाइड वाले जितने पॉइंट है वही इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये वन है बेटा, ये माइनस वन है, ये वन है और ये माइनस वन है वाई एक्सिस पे। मतलब है कि एक्स एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन में ही रेंज करनी चाहिए, वाई भी माइनस वन से वन में रेंज करना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन है कि जब आप सिंपली बोलते हो कि एक्स माइनस वन से वन है और वाई माइनस वन से वन है तो ये पूरा स्क्वेयर रीजन आता है ये वाला। ये पूरा स्क्वायर रीजन भी नहीं चाहिए, इसके अंदर जो ये स्क्वायर बन रहा है उसके अंदर के पॉइंट ही हमें लेने। तो कीपिंग दैट इन माइंड यू कैन फिगर आउट कि क्या क्या नहीं पॉसिबल है। जैसे ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका बड़ा हो गया तो ये सब रूल आउट हो जाएंगे, ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया, ये सब रूल आउट हो गया। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी आई क्या, एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो, एक पॉसिबिलिटी तो यहां से आ रही। ठीक है, ऐसे यहां से क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है, कोई पॉसिबिलिटी? बोलो, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फ्रॉम हियर? एक्स प्लस वाई टू एन पाई, एक्स प्लस वाई टू एन पाई में कोई पॉसिबिलिटी है? एन जीरो, हाँ एक्स प्लस वाई जीरो वाली पॉसिबिलिटी है और इसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू टू पाई वाली पॉसिबिलिटी है। तो x प्लस वाई जीरो वाली पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है कि यही पॉसिबिलिटी होगी। और इस पॉसिबिलिटी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी एक्स वाई के लिए? बोलो x1 y माइनस वन x माइनस, हाँ कुछ भी ना, y को माइनस एक्स हो गया, दैट्स इट। तो y को माइनस एक्स निकल के आया यहां से, तो y को माइनस एक्स एक ऐसी लाइन है, ये समझ रहे हो, ऐसे ऐसे। तो इस स्क्वायर रीजन में इस लाइन पर लाई करने वाले कितने पॉइंट होंगे? इनफिनिट पॉइंट होंगे और वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, यस सर। क्योंकि व्हेनेवर y को माइनस एक्स ये जीरो हो जाएगा, व्हेनेवर y को माइनस एक्स ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये दोनों सम भी जीरो, ये भी जीरो। तो y को माइनस एक्स वाले इस स्क्वायर रीजन में इनफिनाइट पॉइंट है। तो क्या आंसर आया फाइनली? इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विल सेटिस्फाई, तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छी बात है जी, अब बताओ और कौन सा इसका डाउट है ये बोलो। सर एक शायद मैंने आपको अगली टेक्स्टुअल का भेजा था, हाँ एक जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, बट पहले मैं चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में कोई और अच्छा क्वेश्चन है जो आपने अभी तक ना किया। पीछे आंसर सी दिया, किसका किसका? 19, नहीं नहीं गलत है बेटा, आंसर रेक्टिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर डी होगा इसका, डी। जो जो चीज सामने है ना उस पर हम कैसे डिनाई कर सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो करो तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मुझे बता दो। इस वाले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं इस कंडीशन पर? डेफिनेटली वैलिड है। और x प्लस वाई इक्वल टू जीरो और ये, तो इसमें चाहे जो भी आप वैल्यू लोगे इस लाइन पर, जो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है y को माइनस एक्स लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन पर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है ये सारे, वो सभी सेटिस्फाई करेंगे। माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, माइनस हाफ कॉमा हाफ से लेकर के और हाफ कॉमा माइनस हाफ के बीच,
ये इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले कंडीशन। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये एक्सप्रेस वाई इक्वल टू वन है ना? यस सर। ओह माय गॉड। हाँ देखो, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू वन होगा तब तो इनफिनाइट सोल्यूशन होगी, ये इक्वल टू वन करेंगे तब देखो थोड़ा सा ट्रबल है। ट्रबल क्या है? अब ट्रबल क्या है कि हमें ये अंदर वाले पॉइंट नहीं लेने। कहां से मैंने माइन लेस देन इक्वल टू वन पढ़ लिया था? ओके, तब ये हमारा सिर्फ पॉइंट्स कौन सा होगा वो देख लो। अब मैंने मिसरीड कर लिया था बेटा इसको, आई गॉट, आई जस्ट रेड इट लेस देन इक्वल टू वन, इस वजह से इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलो एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, वो दूसरा क्वेश्चन था मान लो, है ना? ये जो डिस्कशन अभी किया था वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग था? लेस देन वन एक्स। हाँ, अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू वन रहा होता इसकी जगह पर तो ये आंसर आता इनफिनाइट सॉल्यूशन, बट इक्वल टू वन होगा तो अब जरा आप बताओ, देखें आप क्या आंसर करते हैं। इक्वल टू वन का मतलब है कि ये स्क्वायर रीजन का बाउंड्री पर जो पॉइंट है ना वही हमें लेने। तो अब आप सिर्फ सीधे सीधे बोलो, एक पॉइंट तो ये आया, ये तो क्लियर है, जीरो कमा जीरो, जीरो कमा जीरो एक सोल्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा इस बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट है जिनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम जीरो है वो कौन कौन से हैं? सॉरी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम वन है। पहले तो ये देखो x और y कोऑर्डिनेट का सम 1 कहां का पर है? x का मैग्नीट्यूड और y का मैग्नीट्यूड का सम 1 है, तो एक तो ये पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये चारों पॉइंट दिख रहे हैं? यस सर। सारे बाउंड्री वाले पॉइंट्स ही नहीं है जिन पे तो x मोड x मोड। हां हां, क्या नहीं, सारे बाउंड्री पॉइंट तो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेंगे ना बेटा, समझ नहीं रहे हो? सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, बट साथ के साथ ये वाली कंडीशन भी तो ट्रू होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन कब कब ट्रू है? तो ये वाली कंडीशन ट्रू है जब एक्स की वैल्यू जीरो है, जैसे देखो एक्स इक्वल टू जीरो किया तो साइन वाई इक्वल टू साइन वाई आ गया, मतलब कि पॉसिबिलिटीज ऐसे आ रही है। अब चलो मैं इक्वेशन वाला प्रॉपरली अब सॉल्व करके दे दे रहा हूँ, इसको देखो, ये हटा दो पहले, ये सारा कुछ हो चुका है, ये समझ चुके हैं, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेट अस गेट अवे विद दिस, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई करने, इसको सेटिस्फाई करता हुआ ये तीन पॉसिबिलिटीज आई, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो और x प्लस y इक्वल टू जीरो। अब मैंने एक एक पॉसिबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दूसरी वाली कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन x प्लस y का मॉड वन, मॉड x प्लस मॉड y वन के इक्वल हो है कि नहीं। तो ये मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू वन का ये आपका ग्राफ है जिसमें ये लाइन है x प्लस y इक्वल टू वन, ये वाली लाइन है x प्लस y इक्वल टू माइनस वन, और ये वाली लाइन इसी तरह से, ये भी लाइन इसी तरह से, मतलब ये लाइन ड्रॉ करके इसी का मिरर इमेज दिया गया, एक बार y में एक बार x में। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कि x जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग दो पॉइंट आ गए, दिस एंड दिस एंड दिस, एक पॉइंट ये भी आ गया ना,
ये वाला पॉइंट अभी नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट अभी नहीं आएगा, इसलिए मैं इस वाले पॉइंट को अभी नहीं ले रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ एक्स जीरो डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको हटा दो। इसका वाई जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग दो पॉइंट आ रहा है, कौन कौन सा? वाई जीरो एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, चार हो गए। फिर इसके बाद में एक्स इक्वल टू माइनस वाई या वाई इक्वल टू माइनस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग भी इस पर ऐसे ये लाइन है y को माइनस एक्स, ये लाइन कितनी बार कट करेगी इस लाइन इस स्क्वायर को? तीन बार, तीन बार नहीं, एक बार यहां और एक बार यहां, दो बार, छह हो गए। तो एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन, पांच सॉल्यूशन और छह सॉल्यूशन, ये छह सॉल्यूशन तो आपको क्लियर दिख रहा है। कोई डाउट है तो बोल दो। एक्स इक्वल टू हाफ वाई इक्वल टू माइनस हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ वाई इक्वल टू हाफ भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन और भी सेटिस्फाई कर, ऐसे बहुत सारे हो करेंगे, लेकिन ये वाले कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली यही छह सॉल्यूशन होंगे, तो आंसर आएगा सिक्स सॉल्यूशंस। कोई डाउट? तो एक्चुअली दो क्वेश्चन डिस्कस हो गए। जब यहां पर लेस देन इक्वल टू वन होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, और इक्वालिटी होगी तो छह सॉल्यूशन। इसके बाद ये भी ठीक ही था, चलो कोई बात नहीं। और कौन सा डाउट था भाई इसमें? और कोई तो नहीं रहा होगा। एक्सरसाइज फोर में चलो, डू यू हैव सम डाउट इन एक्सरसाइज फोर? पहला, दूसरा, फटाफट बताते जाओ जल्दी से। सर मेरा था सर दूसरे वाले में डाउट था सर, दूसरे वाले में डाउट था आपका, दूसरे क्वेश्चन देखो ध्यान से। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? tan of x is equal to pi by 2 minus x, ये है क्वेश्चन नंबर टू। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है तो ग्राफिकली सॉल्व करना काफी आसान होगा, क्योंकि रेंज की बात करेंगे तो ये भी ऑल रियल है, ये भी ऑल रियल है, तो रेंज से कोई बात बनने वाली नहीं है, तो हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए LHS और RHS का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो LHS का ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमें पाई बाय टू वाली ग्रिड्स चाहिए। पाई बाय टू का मल्टीपल पे जो ग्रिड लाइन है वो ड्रॉ कर दो थोड़ी सी, तो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। अगर ये पाई बाय टू के मल्टीपल की ग्रिड लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स है, and if I say that this is pi by 2 pi, 3 pi by 2 2 pi, so I can begin, क्योंकि 2 pi के beyond नहीं जाना है, तो यहाँ 0 ले लिया, ये pi by 2 है बेटा, ये pi है, ये triple pi by 2 है, ये 2 pi है, और ये minus pi by 2 है, ये minus pi, etc. tan का graph you can see ऐसा कुछ होगा, ऐसा इसी तरह से pi से यहाँ पर फिर ऐसा होगा, ऐसा पाई, टू पाई से फिर ऐसा। ये टेंजेंट का ग्राफ है, और इसके साथ साथ हमें दूसरी लाइन है y is equal to pi by 2 minus x, y equal to mx plus c ग्राफ बना सकते हैं। कैसे? x equal to pi by 2 पर y 0 होगा, x equal to 0 पर y pi by 2 होगा, ऐसे एक दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हुए नेगेटिव स्लोप की, माइनस वन स्लोप की लाइन आएगी ऐसे, और ये लाइन को आप ऐसे इधर एक्सटेंड करते हैं। एंड देन आपको क्या देखना है? देखना है जीरो से पाई टू पाई, जीरो से टू पाई में कितने सॉल्यूशन है। तो ये तुम्हारा जीरो है, मतलब ये रेंज में कितने सॉल्यूशन है, इस रेंज में सॉल्यूशन काउंट करने।
आई होप यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस राइट कितने आ रहे हैं एक सोल्यूशन यहाँ आ रहा है तो एक सोल्यूशन ये होगा फिर एक बार यहाँ आ रहा है तो एक सोल्यूशन यहाँ होगा और एक बार फिर यहाँ आ रहा है तो एक सोल्यूशन यहाँ होगा तो ये अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं एक एंगल अल्फा जीरो से पाई बाई टू में एक एंगल बीटा पाई बाई टू से पाई में है एक एंगल गामा थ्री पाई बाई टू से टू पाई में है तो इवन आप अगर प्रिसाइजली आंसर करो तो आंसर आपको कुछ ऐसे रिपोर्टेड होना चाहिए कि थ्री सॉल्यूशंस अल्फा बीटा गामा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू बीटा बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई एंड गामा बिलोंग्स टू थ्री पाई बाय टू से टू पाई कई बार एडवांस में ऐसे प्रॉब्लम पूछते हैं वो सिर्फ ये नहीं पूछते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो लोकेट करवाते हैं आपसे ठीक है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन में धक्के से भी आंसर सही आ जाए किसी बच्चे का तो वो प्रिसाइजली लोकेट करवा देते हैं कि इंटरवल में लोकेशन ऑफ रूट यूज कर लेते हैं तो क्लियर है बिल्कुल yes, sir. कोई डाउट तो नहीं किसी को इसको स्लाइड को चेंज कर दूं मैं अगला क्वेश्चन क्या था ये बताओ सेकंड के आगे चलते आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ये सब तो क्लास में भी डिस्कस हो गया था ये सर गेम में था सर ठीक है बट टेंथ में डाउट हाँ देखते हैं इधर में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ये सब सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुए पड़े थे ओके यहाँ पर टेंथ टेंथ से पहले देख लो कोई है तो बोल दो सिक्स्थ में कोई डाउट सेवेंथ में कोई डाउट एट करके बताओ जरा सेवन एट नाइन टेन जरा इस पर फोकस कर लेते क्वेश्चंस ये सारे ही ठीक ठाक हैं सेवन एट नाइन टेन चलो फटाफट जल्दी सोचो जहां तक सेवन की बात है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन दिस इसके लिए क्या करेंगे साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स कॉमन लिया अगर तो आया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यहां से आ जाएगा तुम्हारा हाफ साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो तो ये आया वन बाई फोर साइन फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो दैट मीन साइन फोर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इसमें कहीं पर भी डोमेन का कोई चेंज नहीं हो रहा ओरिजिनली डोमेन जो था ऑल रियल था सारे फंक्शन ऑल रियल पे डिफाइंड थे अभी भी ऑल रियल पे डिफाइंड है तो वी कैन कैरी आउट कि साइन फोर एक्स पॉजिटिव कब होता है तो हम बोलेंगे कि इट कैन बी सेड एज साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो वेयर थीटा बिलोंग्स टू थीटा फोर एक्स है तो एक्स दिया हुआ है जीरो से टू पाई तो फोर एक्स है जीरो से एट पाई
क्या आएगा। तो अगर आप इसको फिगर आउट करो, या एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि साइन फोर एक्स पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या होगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन फोर एक्स, बोलो। 2π/4 इज π/2, तो अगर मैं साइन फोर एक्स का ग्राफ डायरेक्ट बनाऊं तो भी चलेगा, तो बेटर है कि मैं साइन फोर एक्स का ग्राफ डायरेक्ट बना देता हूं। साइन फोर एक्स का डायरेक्ट ग्राफ बनाने के लिए दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। 0 से 2π में साइन ऑफ 4x का ग्राफ बनाना है हमें, और आपने बोला पीरियड इसका π/2 है, तो मतलब π/4 पर 1 होगा वैल्यू ना, π/8 पर 1 होगा, फिर π/4 पर 0 होगा, तो ऐसा समझो, ऐसा ऐसे होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, ये ग्राफ होगा, जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ जो है ना, उसी को आपने ऐसे क्या कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, कितनी बार, 4 गुना। तो साइन एक्स के ग्राफ, क्योंकि साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाते ना तो कुछ ऐसा आता, π/2 पर 1 आता है, ऐसे वो ग्राफ ऐसे आता है, ऐसा ऐसा ग्राफ आता है। तो यही ग्राफ को 4 times कॉम्प्रेस किया आपने, तब ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब जो 8π पर जो ग्राफ होगा ना, वो एक्चुअली अब 2π पर आ गया, 8π वाला 2π पर आ गया, 2π वाला π/2 पे चला गया, ऐसा। तो हमें तो ये चाहिए था कि कब कब पॉजिटिव है, तो देखो ये इंटरवल में पॉजिटिव है, 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 तो क्या क्या आया सेट ऑफ वैल्यूज, बोलो। 0 to π/4, बट यही नहीं, और भी है, यूनियन π/2 to 3π/4, यूनियन π/5π/4, ये भी तो है ना, यस सर, यूनियन लास्ट में 3π/2 to 6π/4 + π/4 7π/4, ये टोटल सेट ऑफ वैल्यू आई, उसके बाद 7π/4 से फिर π/4 करोगे 2π आ जाएगा, वो तो नेगेटिव वाला इंटरवल होगा। अब इसमें से इन्होंने बोला कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, अब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज नहीं बोली गई, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज होता तब तो सारा लिखना पड़ता, बट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, क्या आंसर आ जाएगा, तो 0 to π तो नहीं आएगा, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आएगा, इसमें भी नेगेटिव आएगा, π/4 से π/2 नेगेटिव आएगा, ये वाला इतना गलत आ जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, तो ये सही है, तो जब बी सही है तो नन ऑफ दिस, तो डिलीट, B is the answer. हाँ, set of all values होता तो answer none of these होता था, D. 7th question हो गया. अब 8th question समझ ही गए होंगे आप कि cos x का graph और sin 3x का graph बनाना पड़ेगा. Sin 3x का graph बनाने के लिए ऐसे squeeze करना पड़ेगा. Sin 3x का period क्या होगा? What will be the period of sin 3x? 2π/3 period है. इसका मतलब है कि ग्राफ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको, है ना, ये π/2 है और ये -π/2, तो यहाँ π/2 मतलब 90, यहाँ π/3 होगा,
और यहाँ पर माइनस पाई बाई थ्री होगा, सॉरी। तो साइन का ग्राफ, साइन थ्री एस का ग्राफ कैसा होगा? माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री में साइन थ्री एक्स जो है, माइनस पाई बाई थ्री पर साइन थ्री एक्स की वैल्यू जीरो होगी और पाई बाई थ्री पर फिर से जीरो होगी, और इसके बीच में वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, ऐसा होगा, ऐसा, सॉरी, ऐसे बना दो। और इसके बाद में भी आगे जाएगा ये, पाई बाय टू पर वैल्यू क्या आएगी? यहां पर साइन थ्री पाई बाय टू माइनस वन आएगी। फिर ऐसे आगे चलता रहेगा, मुझे आगे चाहिए नहीं, और यहां पर वन आ जाएगी साइन माइनस थ्री पाई बाय टू पर प्लस वन आ जाएगी। ग्राफ ऐसे जाएगा। और कॉस एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ कर लो इसी डायग्राम पर, सेम डायग्राम पर कोसाइन एक्स ड्रॉ कर लो, कैसा होगा? जीरो पर वैल्यू वन होगी और माइनस पाई बाय टू पर, माइनस पाई बाय टू पर जीरो होगी और पाई बाय टू पर फिर जीरो होगी। कितने इंटरसेक्शन है, कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ? एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ भी कट कर रहा है ना, ये पाई बाय टू से पहले ही तो कट कर रहा है यहाँ पर। कितने इंटरसेक्शन है? थ्री पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इंटरवल में देर आर थ्री पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin 3x इज इक्वल टू 3। सबको क्लियर है? Yes, sir. तो ये तुम्हारा एट्थ भी हो गया। नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ तो हो ही जाएगा, ए एम जी एम लगा दो, टेन ए प्लस टेन बी प्लस, ये तो क्लास में कराया हुआ मुझे लग रहा है आपको, टेन ए प्लस टेन बी प्लस आइडेंटिटी में कराया हुआ है, बाय थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टेन ए टेन बी टेन सी, ए एम जी एम से। बट आइडेंटिटी बोलती है अगर ए बी सी एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी टेन ए टेन बी टेन सी, याद आएगा तुम्हारा टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी की पावर वन माइनस वन बाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और बिकॉज टेन ए टेन बी टेन सी एक्यूट एंगल का टेन है तो पॉजिटिव पी है, इसलिए एम जी एम लगा भी सकते हैं। फिर दोनों साइड थ्री बाई टू पावर रेज कर दो तो थ्री रूट थ्री से बड़ा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो नाइन्थ का सी ये भी क्लियर है, पहले मैं करा चुका था आइडेंटिटी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रह गया तुम्हारा टेंथ का, m और n, m n की वैल्यू m से बड़ी है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन n sin x इक्वल टू m cos x। तो इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है यार, बोलो। पहली बात तो sin और cos एक साथ जीरो तो हो नहीं सकते कभी, दूसरी बात अगर साइन और कॉस एक साथ जीरो नहीं हो सकते तो ऐसे केस में हम ये तो क्लेम कर ही सकते हैं कि ये इक्वेशन को ऐसा लिख दिया जाए। मैं आइडिया दे दे रहा हूँ, कर जाना, नहीं होगा तो बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो गया। टेंथ क्वेश्चन में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड टेन एक्स इज इक्वल टू एम बाई एन, अब इसके बाद में अब तो मॉड टेन एक्स का ग्राफ बना करके और वाई कोड एम बाई एन लेकर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करो, कर लेंगे।
तो चलो इसको ट्राई कर लेना, अगर नहीं होगा तो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अब आई थिंक इसमें और कोई तो डाउट है नहीं, tan x minus x, ये भी tan x equal to x लाइन ड्रॉ करके देख लेना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन और स्मॉलेस्ट हीट इज सॉल्यूशन कौन सा होगा। एनीवे ठीक है, तो व्हाट आई फील कि आपका ये जो है टेक्सचुअल एक्सरसाइज के डाउट सारे हो चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेना, अगर कोई और डाउट है तो भी शेयर कर देना मुझको। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डाउट होगा वो हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट का, वो कब करना है ये बता दो। कल आपकी तो रेगुलर क्लास है। यस सर। ठीक है, तो असाइनमेंट के डाउट के लिए आप बता देंगे, जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं डिस्कस कर लूंगा। कल रेगुलर क्लास है तो उसमें तो हम प्रोग्रेशन ही करेंगे इवनिंग में, बट आप असाइनमेंट के सारे डाउट मेरे को शेयर कर दो। जैसे साकेत ने तो कुछ शेयर किया हुआ है, बोला हुआ है कि असाइनमेंट लेवल 1-2 कर चुका है, तो आप सारे क्वेश्चन शेयर कर दो, बाकी लोग भी असाइनमेंट करके शेयर कर दो। जिस दिन हो जाएगा तो मैं उसका डाउट का एक अलग से क्लास रख लूंगा, आप मुझे बता देंगे बेटा। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। ओके ओके बेटा, टेक केयर।